जोगिंदरनगर में शुक्रवार को कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में राजस्व विभाग के कर्मियों का टीकाकरण किया गया। एसडीएम जोगिंदरनगर अमित मेहरा ने बताया, कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज राजस्व विभाग के कर्मियों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया, जोगिंदरनगर सिविल अस्पताल में अब तक 100 से अधिक पुलिस, होमगार्ड एवं राजस्व कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया, निर्धारित शेड्यूल के तहत पुलिस, होमगार्ड व राजस्व कर्मियों के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीका लगेगा। आज क्योंकि वैक्सीनेशन का तीसरा दिन था और इसमें आज जो रेवेन्यू और हमारा बाकी स्टाफ है उनकी वैक्सीनेशन होनी थी, तो आई जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड अभी कुछ देर पहले और इसके बाद बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जिसकी भी वैक्सीनेशन एज पर रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, बारी आती है, वो ज़रूर करवाएँ ताकि ये जो हमारा एफर्ट है ये सक्सेसफुल हो सके। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदरनगर से अमित सूद।